अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रॉस टैक्स में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना मेराज और हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डिफेंस स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जैद। पिछली बार हमारे प्रोग्राम का टॉपिक था ज़ायनिस्ट वॉर अगेंस्ट पोलिटिकल इस्लाम, सेक्टेरियन एंड रिलीजियस वायलेंस विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। आज इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम वी एंडेड आवर प्रोग्राम ऑन द ईयर 1979। वी डिस्कस्ड थ्री मेजर इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1979। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जैद साहब से कि आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं और पहले थोड़ा समराइज कर दीजिए जो बातें हमने अपने पिछले एपिसोड में की थी। जी, हमने पिछले प्रोग्राम में बुनियादी तौर पर जो इशू डिस्कस किया था दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिटेंट इस्लाम, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग के यूएस ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो एशिया, मिडल ईस्ट और इस मुसलमान दुनिया में उनके हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका यह है कि पॉलिटिकल इस्लाम और मिलिटेंट इस्लाम को शिकस्त देनी है, इसको डिफीट करना है, चाहे वो शिया पॉलिटिकल इस्लाम हो या सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम हो। सुन्नी पॉलिटिकल इस्लाम की जिस डायमेंशन से उनको खौफ आता है, उसके पर्टिकुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम यूनिटी, ऑफ मुस्लिम यूनियन या ग्रैंड मुस्लिम स्टेट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत की हमने बात की थी। हमने ये बात की थी कि यूएस जब मुसलमान उम्मत के दरमियान इख्तलाफ पैदा करना चाहता है तो वो किन किन पैरामीटर्स, किन किन ग्राउंड्स, किन किन फैक्टर्स पे, सेक्टेरियन हो, एथनिक हो, लिंग्विस्टिक हो, नेशन स्टेट्स के दरमियान किस तरह फसाद बर्पा करना चाहता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि विद इन द लार्जर बॉडी ऑफ द मुस्लिम ब्लॉक वो शिया इस्लाम को अपनी तरफ करके कोशिश ये करना चाह रहा है कि जो सुन्नी मिलिटेंट कॉन्सेप्ट या सुन्नी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि खिलाफत एक सुन्नी कॉन्सेप्ट है, एक शिया कॉन्सेप्ट नहीं है, और शिया मुसलमानों को वो एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर रहा है। शिया मुसलमान काबू नहीं आ रहे उनके, ईरानीज हैव बीन डीलिंग विद देम वेरी हार्शली, मगर ज़ायनिस्ट गेम प्लान यही है कि मुसलमान दुनिया को इन लाइन्स पर तोड़ा जाए। हम इन सारे इवेंट्स का बैकग्राउंड डिस्कस करते हुए 1979 तक आए थे। 79 हमारे लिए तारीखी तौर पर बड़ा वाटरशेड ईयर है, यानी इसके बाद के जो इवेंट्स होते रहे हमने जनरली उनको पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, आज तफसील से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला इवेंट जो 79 में होता है दैट इज द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन उस वक्त एक जो पिछले पौने 200 साल से 250 साल से जो मुसलमान इलाकों को हड़प करता हुआ सोवियत यूनियन इन स्टेट ऑफ मॉस्को, जो कि अगर आप नक्शा उठा के देखिए जो मॉस्को की इस वक्त शहर है, इट यूज टू बी अ स्टेट, एक रियासत होती थी, और पिछले 400 साल से तकरीबन पीटर द ग्रेट के जमाने से भी पहले से ये मॉस्को की स्टेट आहिस्ता 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 दोनों तरफ फैलती चली आ रही थी और नीचे एक तरफ वो चाइना की तरफ जा रहे थे, एक तरफ यूरोप में बढ़ते जा रहे थे, तीसरे सेंट्रल एशिया में नीचे आ रहे थे, और पूरा सेंट्रल एशिया मुसलमान था। अगर आप समरकंद, बुखारा और ताशकंद के फॉल होने की तारीखें देखें तो ये 19वीं सदी में 1860s, 1850s, 1870s, यानी ये वो तारीखें हैं कि जब समरकंद, बुखारा, ताशकंद, यानी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे स्तान जो हैं सेंट्रल एशिया के, सारे तुर्कमानिस्तान से शुरू करके कजाकिस्तान तक स्तान कहलाते हैं, जिनके सबके आखिर में ISTN आता है, ये मुसलमान ममालिक थे, मुसलमान अक्सरियती लोग थे। इनको ये सोवियत यूनियन हड़प करते करते अफगानिस्तान तक आया था और अब अफगानिस्तान के बाद आखिरी स्थान रह गया था पाकिस्तान, जो उसने हड़प करना था। और दिस ट्रिगर्ड द सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान ट्रिगर्ड, हम तफसील से बात इस पर पहले कर चुके हैं। अफगान मुजाहिदीन ने प्राइमरीली ये जंग लड़ी, इसमें कोई शुबा नहीं है, अफगान अवाम ने यह जंग लड़ी। 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ अफगानिस्तान की आबादी थी, जिसमें से 50 से 60 लाख हिजरत कर गए ईरान और पाकिस्तान की तरफ। कम अज कम 20 लाख मुसलमान अफगान वहां शहीद हुए। एक खूनरेज जंग हुई, 10 साल चली। इट वॉज अ वॉर बिटवीन अ न्यूक्लियर आर्म सुपर पावर एंड रैग टैग आर्मी ऑफ मलेशियाज ऑफ अफगान रेजिस्टेंस। इसको पूरी तरह सपोर्ट पाकिस्तान ने की, पूरी तरह सपोर्ट मुस्लिम दुनिया ने की, तमाम मुस्लिम दुनिया की। ये एक अजीब कॉन्सेप्ट यह था कि जितनी भी मुसलमान हुकूमतें जो प्रो अमेरिकन थी उन्होंने भी इस जंग को सपोर्ट किया, और जितनी मुसलमान पोलिटिकल मूवमेंट थी और तहरीकें थी उन्होंने भी इस जंग को सपोर्ट किया, प्राइमरली सुन्नी। दिस वॉज मोस्टली अ सुन्नी कॉन्सेप्ट अफगान जिहाद। हम एक बड़ा एक अजीब और गरीब सिनारियो वहां पे ये होता था कि पूरी मुसलमान एक एक छत के नीचे 8-8, 10-10 जबाने बोलने वाले मुसलमान बैठे होते थे, इंडोनेशियन से लेकर वेस्ट अफ्रीकन बर्बर तक, और युगोस्लाव के मुसलमान, यूरोपियन मुसलमान, और वी यूज टू टॉक टू इच अदर इन 6 and 8 different languages ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और ऑब्जेक्टिव एक था, मकसद एक था, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना है, एक मुसलमान मुल्क को लिबरेट कराना है। और 91 की ये बात आई वुड लाइक टू शेयर इट हियर कि
79 में सोवियत इन्वेजन होती है, तकरीबन 89 सोवियत विड्रॉल होता है, 10 साल के अरसे में सोवियत विड्रॉ करते हैं। और आई हैड एन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम टू बी ऑन दी आमू दरिया ऑक्सस रिवर, जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर है। और अजीब वो तारीखी लम्हा था कि जब ताजिकिस्तान में उस वक्त इंकलाब बरपा हो रहा था, सोवियत यूनियन का जो विड्रॉल अफगानिस्तान से शुरू हुआ था वो अफगानिस्तान में फिर रुका नहीं, पूरा सेंट्रल एशिया में रोल बैक हुआ, पूरा ईस्टर्न यूरोप में रोल बैक हुआ, यानी 200 साल से जो मुसलमान इलाके उनकी गुलामी में थे वो एक एक करके आजाद होना शुरू हुए। हम आमू दरिया पे खड़े हुए थे और आमू दरिया और ताजिकिस्तान की सरहद पे ताजिकिस्तान की तरफ सोवियत आर्मी पेट्रोल्स छोटे छोटे जो कि डेस्परेट बीटन अप शिकस्त खाए हुए किसी तरह कोशिश कर रहे थे कि अफगान मुजाहिदीन की ताजिकिस्तान में दाखिले को रोका जा सके, लेकिन अफगान मुजाहिदीन को ताजिकिस्तान में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उनके सरों के ऊपर से जो आइडियोलॉजी थी जिहाद की, मिलिटेंट कॉन्सेप्ट की, वो ऑलरेडी ताजिकिस्तान में जा चुकी थी और हमें ताजिकिस्तान में होने वाले इंकलाब की धमक यहां अफगानिस्तान में सुनाई देती थी। यानी जो खूबसूरत, और यहां पर एक अजीब बात है, अफगानिस्तान के जिहाद के बाद ताजिकिस्तान में इंकलाब बरपा करने में फिर अल्लामा इकबाल का यहां बहुत बड़ा रोल था, हैड अ रोल। जो सबसे खूबसूरत शेर अल्लामा इकबाल का, जिसको लाखों का मजमा ताजिकिस्तान में फारसी में पढ़ता था, उसके नतीजे में उन्होंने हुकूमत फॉल करा दी, वो उनका मशहूर शेर अल्लामा इकबाल का कि मेमार हरम बाज बतामीर जहान खेज अस्ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज, कि वो जिसने हरम की तामीर की थी उठो दोबारा जमाने की तामीर करो, और अब तुम्हें गहरी नींद में तुम बरसों से सो रहे थे, अब उठो और बेदार हो और जमाने की तामीर करो। यानी अल्लामा इकबाल का जो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल एशिया में इस्लामी इंकलाब लाने में या इस्लामी स्टेट्स को आजाद कराने में है वो इतना अजीब व गरीब है, बहुत कम लोग जानते हैं ईरानी इंकलाब में अल्लामा इकबाल का जितना रोल है, और बहुत कम लोग पाकिस्तान में जानते हैं कि टर्की में भी अल्लामा इकबाल की एक कब्र मौजूद है। यानी यू विल बी सरप्राइज, अल्लामा इकबाल तो लाहौर में है लेकिन कौनिया में जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के साथ उनका जो स्पिरिचुअल रिश्ता था, तो तुर्कों ने उसके एहतराम में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कदमों में अल्लामा इकबाल की कब्र बनाई हुई है एक मेमोरियल के तौर पे। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जो रिस्पेक्ट इकबाल को सेंट्रल एशिया और मुस्लिम वर्ल्ड में है, उनके कॉन्सेप्ट आज भी इंकलाब बरपा कर रहे हैं वहां पर। तो ताजिकिस्तान उस वक्त और ताजिकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान दूसरे तमाम ममालिक में जो इम्प्लीकेशन थी इसकी अफगानिस्तान रेजिस्टेंस की, अफगान जिहाद की, मुसलमान तारीख में ये एक वॉटरशेड मोमेंट है। यानी ये एक तारीख का ऐसा आबशार है कि जहां वक्त हमारे लिए आके थम जाता था। यानी पिछले कई सौ साल से हम तहरीक मजाहमतों में शिकस्त खाते चले आ रहे थे, ये पहला मौका था जब मुसलमानों ने एक तहरीक मजाहमत में कामयाबी हासिल की थी। ठीक है आपस में बाद में प्रॉब्लम हो गई इनकी, वो अचीव नहीं कर सके वो ऑब्जेक्टिव, लेकिन एक सोवियत सुपर पावर को वहां से निकालने में जरूर कामयाब हुए और कम से कम 20 करोड़ इंसान आजाद हुए सोवियत विड्रॉल के नतीजे में सेंट्रल एशिया से लेकर ईस्टर्न यूरोप तक। सो कहने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि ये एक इतना बड़ा मौका था, यहां इसको छोटी बात करके इस मौके को जाया नहीं किया जा सकता कि काश पाकिस्तान अफगानिस्तान की मदद ना करता, हमें ड्रग्स आ गई, क्लैशन क्रॉप्स आ गई, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम्स आ गई, रेफ्यूजीज आ गए, ये छोटी बातें हैं। कौमों के रूज जवाल के जब मामलात होते हैं तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जिनमें तारीखें लिखी चली जाती हैं। और ये वाकई अफगानिस्तान जिहाद वॉज वन इवेंट कि वैन पूरी मुस्लिम दुनिया, जैसे हमने अर्ज किया, कंट्रीब्यूट और पार्टिसिपेट कर रही थी, और आइडियोलॉजी विच वॉज बींग जनरेटेड फ्रॉम हेयर वॉज फार मोर प्रोफाउंड, फार मोर डीप एंड पेनिट्रेटिंग, जो मिलिटेंट पोलिटिकल इस्लाम की जो आइडियोलॉजी थी उस फिजिकल बाउंड्री से बाहर उसकी रेवोल्यूशन जा रहे थे, जो उसकी वेव जा रही थी पूरी सुन्नी मुसलमान दुनिया में, वो नाकाबिले यकीन थी उस वक्त भी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये सोवियत वॉर में क्या सिर्फ मुस्लिम ममालिक का रोल था या वेस्टर्न ममालिक का, बाहर से भी उनका भी कंट्रीब्यूशन था कोई? देखिए इसमें उनका कंट्रीब्यूशन था लेकिन वो कंट्रीब्यूशन इतना कम था, इतना उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा था, उसकी प्रोजेक्शन ज्यादा थी, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बाद में जो स्टिंगर सर्फेस टू एयर मिसाइल्स आए वो उनकी तरफ से आए, लेकिन